जिला परिषद सदस्य दुधराम सवालाखी पर हमले की घटना का निषेध किया गया है। अखिल भारतीय लोधी राजपूत महासभा व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने मामले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारी रमेश बिरनवा ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सवालाखी की लोकप्रियता को बढ़ते देख उनके विरोधियों ने हमला किया है। 5 जुलाई को पार्शिनी में हुए इस प्रकरण से समाज आहत है। आरोपी उदय सिंह यादव व रणवीर यादव को कांग्रेस से हटाने की मांग भी की गई है। संगठन की ओर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले व पुलिस अधीक्षक राकेश ओला को भी निवेदन सौंपा जा रहा है। संगठन की ओर से कहा गया है कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो समाज की ओर से विदर्भ में जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। मी इंजीनियर राजीव ठकरेले, मी समाजाच्या अखिल भारतीय लोधी महासभाच्या युवा इकाईचा राष्ट्रीय प्रभारी आहे आणि तसंच गोंदिया जिल्ह्याचा किसान काँग्रेसचा मी जिल्हा उपाध्यक्ष आहे। जे दुधराम सवालाखे जी आमचे लोधी समाजाचे असून काँग्रेस पक्षाचे पण ते जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, त्यांच्यावर 5 जुलै रोजी ज्या पार्शिवनीच्या पक्षाच्या कार्यालयात जे मारहाण झालं, प्रकार झालं, ते गज्जू यादव जे महासचिव आहेत काँग्रेस पक्षाचे, त्यांनी आणि त्यांच्या भावांनी केले। हे जे प्रकार जे घडलं हे पक्षासाठी आणि समाजासाठी खूप निंदनीय आहे आणि ह्या प्रकाराचा आम्ही विरोध करतो। आणि दुधराम सवालाखे हे आमचे समाजाचे एक कर्तव्यनिष्ठ संघटक आणि एक होणार जे आमचे नेते आहेत, त्यांच्या सोबत झालेला हा दुर्व्यवहार हा लोधी समाज कधीही एक्सेप्ट करून घेणार नाही। गौरतलब है की पंचायत समिति उपचुनाव के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन सवालाखे से मारपीट की गई थी। पत्रकार वार्ता में जगन्नाथ मोरडिया, रतन लाल कोमेरिया, आनंद दबाहे, राजीव ठकरेले, पांडुरंग मुटकुरे, राधेश्याम नागपुरे, लाल सिंह ठाकुर, राम मसूर के सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।